आज का हमारा ये जो प्लान है, ये एक 15x40 square feet का एक हाउस प्लान है, जिसमें कि हमने एक 1 BHK प्लान किया है। सो चलते हैं प्लान की तरफ एंड देखते हैं उसको डिटेल में। सो ये हमारा आज का प्लान है, जिसमें कि हमारी ये जो विड्थ है वो 15 फीट की है एंड हमारी इसकी जो लेंथ है वो 40 फीट की है। 1st हम इसकी वॉल्स को हाईलाइट कर लेंगे। ये हमारी सारी आउटर वॉल्स हैं जिनको हम हाईलाइट कर रहे हैं। ये हमने लिविंग रूम में एक विंडो प्रोवाइड किया हुआ है, हमारी फ्रंट साइड में एक विंडो आ जाएगी एंड रियर साइड में हमारी एक विंडो आ जाएगी। ये हमारी किचन की वॉल्स हैं, यहाँ पे भी हमने एक विंडो प्रोवाइड किया हुआ है। ये हमारी इंटीरियर वॉल्स हैं ये सारी। ये हमने इंटीरियर वॉल्स को भी हाईलाइट कर दिया है। सो हमने इन सारी वॉल्स को हाईलाइट कर दिया है। सो फर्स्ट हम यहाँ से एंटर करेंगे। हमने यहाँ पे एक गेट प्रोवाइड किया हुआ है, ये जो हमारा ओपनिंग स्पेस है, यहाँ पे हम एक बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। यहाँ जो हमने पैसेज प्रोवाइड किया है ये 6 feet by 7 feet का है, जिसमें कि हमारी 6 feet इसकी विड्थ है एंड 7 feet इसकी ये लेंथ है। इस पैसेज के राइट साइड में हमारा स्टेयर्स का एरिया आ जाता है, यहाँ पे हमने स्टेयर्स प्रोवाइड किए हैं। हमारी स्टेयर्स की जो विड्थ है वो 3 feet की है, इसकी जो विड्थ आएगी वो 3 feet की है। स्टेयर्स के नीचे का जो पोर्शन है वो हम स्टोर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, हमारी वाटर टैंक्स वगैरह भी हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे लिविंग रूम के अंदर। लिविंग रूम का जो हमारा साइज़ है वो 14 feet by 10 feet का है, जिसमें कि हमारा 14 फीट इसकी ये लेंथ है एंड 10 फीट इसकी ये विड्थ है। देन हम यहाँ से एंटर करेंगे हमारे किचन एरिया के अंदर। हमने यहाँ पे एक ओपन किचन प्रोवाइड किया है, हमारा ये जो पोर्शन है आप एक एज अ डाइनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका जो हमारा साइज़ है वो 6 feet 6 inches by 9 feet का है। देन यहाँ डाइनिंग के ही राइट साइड में हमने किचन प्रोवाइड किया है, इस किचन का जो हमारा साइज़ है वो 7 feet by 9 feet का है। जिसमें कि 7 feet हमारी इसकी विड्थ है एंड 9 feet इसकी ये लेंथ आएगी। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे बेडरूम के अंदर। इस बेडरूम का जो हमारा साइज़ है वो 10 feet by 11 feet 6 inches का है। जिसमें कि हमारा 10 feet इसकी विड्थ है एंड 11 feet 6 inches इसकी ये लेंथ है। यहाँ बेडरूम के ही लेफ्ट साइड में हमने एक कॉमन टॉयलेट बाथ प्रोवाइड किया हुआ है। इसका जो हमारा साइज है वो 3 feet 6 inches by 7 feet का है। जिसमें कि हमारा 3 feet 6 inches इसकी विड्थ है एंड 7 feet इसकी ये लेंथ है। इसमें हमने जो वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ प्रोवाइड किए हैं, हमारी लिविंग रूम के अंदर 2 विंडोज़ आ जाएंगी। हमने किचन के अंदर हमने एक विंडो प्रोवाइड किया हुआ है, हमारा यहाँ WC एंड बाथ में एक विंडो आ जाएगा एंड बेडरूम में हमने 2 विंडोज़ प्रोवाइड किए हैं। यहाँ हमने डाइनिंग एरिया में भी एक विंडो प्रोवाइड किया हुआ है। ये जो विंडोज़ है वो सारी ऑप्शनल है, अगर आपके साइड्स में प्लॉट्स हैं तो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। इसमें जो हमारा लिविंग रूम के अंदर हमने विंडोज़ प्रोवाइड किया है, जिसको हम W से डिनोट कर रहे हैं, इसका जो हमारा साइज़ है वो 4 feet by 4 feet का है।
जिसमें कि हमारा 4 फिट इसकी ये विड्थ है एंड 4 फिट इसकी हाइट होगी। सेम साइज़ का हमारा ये भी विंडो आ जाएगा। किचन में जो हमने विंडो प्रोवाइड किया है वो भी सेम साइज़ का है। जितने भी हम W से डिनोट कर रहे हैं उसका साइज़ 4 फिट बाय 4 फिट का है। बेडरूम में भी हमारा सेम साइज़ का विंडो आ जाएगा। WC एंड बाथ में जो हमने विंडो प्रोवाइड किया है इसका जो हमारा साइज़ है वो 1 फिट 6 इंचज इसकी विड्थ है एंड 2 फिट इसकी हाइट होगी। एंड यहाँ पे भी हमारा जो डाइनिंग में है वो उसका भी साइज़ हमारा 4 फिट बाय 4 फिट का है, जिसमें कि 4 फिट इसकी विड्थ होगी एंड 4 फिट इसकी हाइट होगी। जो हमने इसमें डोर्स प्रोवाइड किए हैं, जो हमारा मेन एंट्री का जो हमारा डोर होगा जिसको हमने D से डिनोट किया हुआ है, इसका जो हमारा साइज़ है वो 3 फिट इसकी ये विड्थ होगी एंड 7 फिट इसकी हाइट होगी। यहाँ हमने ये जो ओपनिंग प्रोवाइड की है वो 3 फिट की है। देन यहाँ हमने जो डोर बेडरूम के अंदर प्रोवाइड किया जिसको हम D1 से डिनोट कर रहे हैं, इसका जो हमारा साइज़ है वो 2 फिट 6 इंचज इसकी विड्थ है एंड 7 फिट इसकी हाइट है। जो हमने WC एंड बाथ में डोर प्रोवाइड किया जिसको हम D2 से डिनोट कर रहे हैं, इसका जो हमारा साइज़ है वो 2 फिट 6 इंचज इसकी विड्थ है एंड 6 फिट इसकी हाइट है। इस प्लान में जो हमने वॉल्स प्रोवाइड किए हैं, जो हमारी आउटर वॉल्स है वो 6 इंचज की है एंड जो हमारी ये इंटीरियर वॉल्स है वो भी 6 इंचज की है। इसका जो हमारा कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 lakhs के अराउंड आएगा, जो कि वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। सो ये था हमारा आज का एक छोटा सा प्लान, जो कि एक 15 बाय 40 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान था।